हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो से। दोस्तों, कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति ढिबरी और माधुरी दीक्षित की फिल्म भूल भुलैया 3 जो कि हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का पहला भाग 2007 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य किरदार में थे। इसके बाद भूल भुलैया 2 साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, तो वहीं अब जाकर एक बार फिर से अनीस बज्मी कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया का तीसरा भाग भूल भुलैया 3 लेकर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन और तृप्ति ढिमरी स्टार भूल भुलैया 3 का मच अवेटेड ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जिससे हर तरफ मौजूद फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई है। अनीस बज्मी द्वारा डायरेक्टेड और भूषण कुमार द्वारा शुरू की गई इस सीरीज का यह लेटेस्ट पार्ट इस दिवाली हॉरर और कॉमेडी का एक कभी न भूलने वाला तड़का देने के लिए तैयार है। अनीस बज्मी द्वारा डायरेक्टेड इस प्रोजेक्ट को भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ट्रेलर में कार्तिक आर्यन को रूह बाबा के रूप में वापस आते हुए दिखाया गया है, जो अपने मज़ेदार पर्सनालिटी और कॉमेडी के लिए पसंद किया जाने वाला किरदार है। फिल्म में एक एक्टर के साथ विद्या बालन भी है, जिन्होंने फिल्म में मशहूर मंजुलिका का किरदार निभाया था। विद्या बालन द्वारा निभाए गए रहस्यमय आत्मा के किरदार ने कई लोगों को डरा दिया था, लेकिन इस बार इस फ्रेंचाइजी ने और भी ज़्यादा ट्विस्ट और रोमांचक पलों के द्वारा चीज़ों को और आगे बढ़ाया है, जो फिल्म की कहानी को आकार देते हैं। ट्रेलर में रूह बाबा और मंजुलिका के बीच होने वाली भिड़ंत की झलक दिखाई गई, जिसका फैंस बेजब्री से इंतजार कर रहे थे। स्मार्ट राइटिंग, कमाल के विजुअल्स और एक दिलचस्प कहानी के साथ भूल भुलैया 3 का अहम दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचना और इस दिवाली को यादगार बनाना है। रूह बाबा के मजेदार कारनामे और मंजुलिका की डरावनी छाया एक रोमांचक फिल्म का अनुभव देने को माहौल बना रही है। भूल भुलैया भारत की सबसे मशहूर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है। इसने हमेशा दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके दिलों पर राज किया है। भूल भुलैया 2 एक बड़ी सफलता थी। इसे महामारी के बाद के शुरुआती समय में रिलीज किया गया था और इसे देखने के लिए लंबे समय के बाद बड़ी भीड़ सिनेमाघरों में वापस आते हुए देखी गई थी। फिल्म में न सिर्फ लगभग 266 करोड़ की कमाई के साथ रिकॉर्ड बनाया था, बल्कि 2022 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। इसके अलावा भूल भुलैया 3 में जबरदस्त कास्ट है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति ढिमरी नजर आने वाले हैं, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में विजय राय, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालशेकर और कई अन्य नाम शामिल हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यह सपोर्टिंग कास्ट इस हॉरर कॉमेडी में एक खास आकर्षण लाता है। ट्रेलर से पता चलता है कि भूल भुलैया 3 अपने मशहूर गाने के साथ वापस आ गई है और देखने में मज़ेदार होने का वादा करती है। फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल स्कोर है, जिस पर ध्यान देना एक खास हिस्सा होगा। आपने कैलेंडर पर निशान लगा लें, क्योंकि भूल भुलैया 3 इस दिवाली 1 नवंबर 2024 को ग्रैंड रिलीज लेने के लिए तैयार है, जिसकी सीधा कॉम्पिटिशन का सीधा क्लेश रोहित सेठी के कॉप यूनिवर्सल सिंगम अगेन से होने वाला है। अब देखना ये होगा कौन बाजी मार के ले जाता है, सिंगम अगेन या भूल भुलैया 3। तो दोस्तों, देखते रहिए ऐसी वीडियो, और अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हम फिर से आ जाए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।